हर खबर पर आपकी नजर, बेताब समाचार। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एस ए बेताब और आप देख रहे हैं बेताब समाचार एक्सप्रेस। और खबर पीलीभीत से आ रही है, आज चुनाव चल रहा है, पहले चरण का चुनाव हो रहा है। उत्तर प्रदेश में भी लोकसभा के लिए चुनाव हो रहा है। यहाँ पीलीभीत से हमारे संवाददाता शाहिद खान ने जो रिपोर्ट भेजी है, आइए हम आपको बता दें शाहिद खान क्या बता रहे हैं। पीलीभीत के ग्राम बखतपुर में ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि जो हमारा पुराना रास्ता है उसको प्रशासन ने बंद कर दिया है, उसको खुलवाने के लिए काफी वक्त से मांग कर रहे हैं, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं है। मंदिर के पास एक शराब की मशीन खोली गई है जिसको हटाने के लिए लगातार वह कोशिश कर रहे थे, लेकिन उस पर भी प्रशासन के द्वारा कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से आज ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार किया और मतदान नहीं करने की ठानी। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक कोई मतदान नहीं करेगा। जानकारी मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी दौड़े गाँव की तरफ और हालात को देखते हुए अधिकारियों के हाथ पाँव फूले। चुनाव अधिकारियों ने मीडिया के किसी भी सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया। आइए दिखाते हैं आपको यह रिपोर्ट। अरे वो जिला मजिस्ट्रेट होता है, अधिकारी भी है, उनसे नहीं के आदेश से हम लोग आए, उनके प्रतिनिधि बन के आए हो, उन्हें समझाया है कि हम जाइए। आपकी पूरी समस्या का समाधान हो गया है, जो रास्ता आप लोग मांग रहे थे उसके लिए जिलाधिकारी महोदय ने सहमति दे दी है और वो लिख के दिया जा रहा है। आपकी बात पूरी हो गई है, लिखित में दिया जा रहा है, लिखित में दिया जा रहा है, तो लिखित में ही तो किया जा रहा है। क्या लिखा गया 19/4/2019 को ग्राम बगत वीडियो बनाऊंगा, फोटो खींचूंगा। हाँ 19/4/2024 को ग्राम बगतपुर परगना तहसील जिला पीलीभीत में मध्य स्थल संख्या 197 बगतपुर में ग्राम वासियों द्वारा मतदान का बहिष्कार किए जाने के उपरांत उप जिलाधिकारी महोदय अमरिया व कलीनगर एवं तहसीलदार महोदय पीलीभीत की उपस्थिति में रास्ता संबंधी समस्या का निराकरण करते हुए 5 फीट चौड़ाई का रास्ता था चिन्हीकरण किया गया है। अब सभी ग्रामवासी अपना मतदान करने हेतु सहमत करें, चिन्हीकरण किया गया है। आज ग्राम बगेशपुर में मतदान का बहिष्कार किया गया है, क्या वजह है, क्या परेशानियां हैं? हमारी रास्ता रोक रखी है, प्रशासन ने रास्ता अवैध रूप से रोक रखी है और पुश्तैनी रास्ता है हमारी, 100-200 सालों से निकलते चले आ रहे हैं हम लोग। ये रास्ता कहाँ से कहाँ निकलती है? ये निकलती है बगतपुर से, फिर क्या नाम कलेक्ट्रेट में मुख्यालय निकलती है। और क्या परेशानियाँ हैं? यही परेशानी है हमारी मेन है। सुनने में आ रहा है कि शराब की भट्टी हटाने को लेकर मांग की है। शराब भट्टी भी हमारे मंदिर के पास लगी हुई है, वो भी एक गंभीर समस्या है, पूरे गाँव वाले चाह रहे हैं की वो भट्टी भी हटना चाहिए। तो गाँव वालों की क्या मांग है? गाँव वाले की मांग है की हमारी भट्टी क्या नाम है कि रास्ता खोल दी जाए, जिससे कि हम लोगों को असुविधा ना हो, बच्चों को स्कूल जाने में, अस्पताल जाने में, मार्केट जाने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो आज ये अधिकारी आए थे, ये क्या कहा उन्होंने? ये कह रहे हैं वोट करिए आप, हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे, समस्या का समाधान करेंगे, ये बोल रहे हैं। तो अब आप लोग कह रहे हैं हमारी दीवार अभी समस्या का समाधान करिए, हम लोग वोट अभी डालने को तैयार हैं। तो अब आप लोग क्या 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 कहना चाहते हैं, अभी वोटिंग होगी यहाँ पर या क्या होगा? वोट जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं होता साहब, जब तक हम वोट नहीं करेंगे।